भले ही मनुष्य के अंदर इस जगत में अपार सामर्थ्य है और सोचने विचारने की ताकत है, किंतु मनुष्य का जीवन अल्प और क्षणभंगुर है। अपना सीमित समय व्यर्थ के कामों में गंवाकर हम अपने साथ बहुत बड़ा अन्याय ही कर रहे होते हैं। क्योंकि जीवन इतना अनिश्चित है कि हमें अपने अगले पल का भी नहीं पता होता, इसलिए यह सोचना हमारी भूल है कि बुढ़ापा और मृत्यु अभी हमसे दूर है और हम कुछ पलों के इस छोटे से जीवन को आलस और राग रंग में गुजार देते हैं। बुद्ध हमें चेतावनी देते हुए कहते हैं कि इस अनित्य जगत में आलस, दुराचार, राग रंग में जीवन बिताने से मनुष्य की हानि होती है, वह नरकगामी होता है। हमें अपने वास्तविक कर्म के प्रति सचेत रहना चाहिए। बुद्ध कहते हैं, अफसोस, थोड़े समय में ही यह शरीर पृथ्वी पर पड़ा होगा, घृणित, निर्जीव और बेकार जली हुई लकड़ी के समान। इसमें से दुर्गंध उठ रही होगी। जीवन के क्षणिक आनंद का उपभोग करते हुए मन भ्रमित हो जाता है और अभी विषय भोगों से भरा भी नहीं होता कि मृत्यु आ घेरती है। इस शरीर को फैन के समान जानकर, इसे एक मृग मारीची का समझकर मनुष्य को मार के लुभावने जाल को तोड़कर निकलना होगा। भिक्षु को निरंतर अथक प्रयास करना होगा। बुद्ध कहते हैं, यह शरीर जर्जर है, यह रोगों का घर है और बहुत दुर्बल है। यह देह नष्ट हो जाती है, वास्तव में जीवन का अंत मृत्यु ही है।